का हमारे हब फॉर एजु चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि यूडाइस प्लस में हमारे स्टूडेंट मॉड्यूल में सभी लोगों ने काम कर लिया होगा, और काम करने के बाद भी हम लोगों की कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती है, और उस त्रुटियों के निराकरण के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम अपने डेटा को सर्टिफाई कर दें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे स्टूडेंट मॉड्यूल में हम अपने बच्चों के डेटा को काम करने के उपरांत कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको फाइनल करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमें यूडाइस प्लस के साइट पर काम करने के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर जाना पड़ता है, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास पेज खुला हुआ है, और यहाँ पर जाकर स्टूडेंट मॉड्यूल में झारखंड में क्लिक करके फिर हमें गो करना पड़ता है। गो करने के बाद हमारे पास स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, कि जो हम यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं, और फिर हम कैप्चा देकर उसको लॉगिन करते हैं। यही प्रक्रिया सभी लोग आप लोग इस बात से जान रहे हैं। तो चलिए हम इसको अब लॉगिन करते हैं, क्योंकि समय की बर्बादी नहीं हो इसके लिए हमने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप ध्यान देंगे, यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सारा आपका काम किया हुआ दिख रहा है, और आप ऊपर में आपका डेटाबेस का स्टेटस बताया जा रहा है कि टोटल इनरोलमेंट कितना है, टोटल बॉयज़ कितना है, टोटल गर्ल्स कितना है। कई लोग क्या करते हैं ना, काम करने के समय शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं या गलती से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो टोटल ट्रांसजेंडर जरूर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को देखिएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सेक्शन के साथ में, जैसे आप यहाँ पर देखिए एलाइज डाल दिया गया है, ठीक है, तो एलाइज इस तरीके से नहीं डाला जाता है, ये आपका सही प्रक्रिया नहीं है। तो आप अपने एलाइज को नॉर्मल सेक्शन पे रखिए, ठीक है। एलाइज अगर यूज होता है तभी दीजिए, अदरवाइज आप नहीं दें। और आपको हम ये बताते हैं कि सेक्शन के एलाइज को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन मैनेजमेंट ऑप्शन है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। कई लोग इस तरह के एलाइज बनाए हैं, और आप यहाँ पर चले जाएंगे एक्सपेंड ऑल सेक्शन। ध्यान रखेंगे अगर आपके पास एक सेक्शन है तो एक ही सेक्शन ऐड रखिए, बहुत लोग यहाँ पर मल्टीपल सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो सेक्शन अगर ऐड किया हुआ है तो आप उसको वहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिलीट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एलाइज डाला हुआ, अगर हम इस एलाइज को हटाना चाहे तो क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एडिट पे जाते हैं, और यहाँ पर जाके इसको ध्यान दीजिएगा सेक्शन के लास्ट में एक्शन में है, उसके बगल में एडिट ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करेंगे, और ये जो सेक्शन एलाइज है इसको हम यहाँ पर हटा देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। देखते हैं अब हमारा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर हो गया ना। तो इस तरीके से आपको अपने सेक्शन के अलाइज को चेक कर लेना है, अगर है तभी दीजिए, अदरवाइज इसको नहीं दीजिए, इसकी कोई नीड नहीं होती है। और अब हम चलते हैं कि हम अपने डेटा को फाइनली सर्टिफाई कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा स्कूल का डैशबोर्ड है, हमने देख लिया कि सारे बच्चों का काम हो गया है, जितने बच्चों को ऐड करना था ऐड कर लिया, जितने बच्चों को इम्पोर्ट करना था कर लिया। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके स्कूल में, आपके स्कूल के रजिस्टर में जितने बच्चे हैं उतने बच्चे आपके यहाँ पर यूडाइस पोर्टल में होना चाहिए। आप इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे कि आपका यहाँ पर इस बच्चा होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि स्कूल के डेटा को फाइनल कंप्लीटेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्कूल कंप्लीटेशन एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, और न्यू ऑप्शन भी वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान है, किसी में भी न्यू नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसी में लगा हुआ है, ठीक है। तो स्कूल कंप्लीटेशन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्कूल कंप्लीटेशन में क्लिक करने पर आपके पास में कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें आपका स्टेटस बताया जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना है, कंप्लीटेड कितना हुआ, इन प्रोग्रेस कितना हुआ, नॉट स्टार्टेड किया कितना है। अगर आपका टोटल स्टूडेंट और टोटल कंप्लीटेड अगर पूरा हो गया है तो वो ग्रीन दिखेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड, ये ऑप्शन तभी आपका इनेबल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करके सबमिट करेंगे, ये तभी हो पाएगा जब आपका इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड में कोई भी बच्चा ना रहे।
अगर आपका इन प्रोग्रेस में कोई बच्चा रहेगा और नॉट स्टार्टेड में कोई बच्चा रहेगा तो फिर वो आपका यहाँ पर ऑप्शन काम नहीं करेगा। ऑप्शन काम नहीं करेगा मतलब आपका स्क्रीन पर ये सारा चीज दिखेगा, बट यहाँ पर जो एक चेक बटन बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव एडेड ऑल माई स्टूडेंट व्हिच आर स्टडिंग इन माई स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसी। मतलब आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि आपके स्कूल के सारे बच्चों का डेटा इसमें एंट्री कर दिया गया है, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। और जब इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए उसके बाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कम्प्लीट डेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ उसका दिया हुआ है और फिर हम यहाँ पर ओके में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके में क्लिक कर देंगे हमारा डेटा फाइनल सबमिट हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग डेटा कंप्लीटेशन, डेट एंड टाइम दोनों आपको बता रहेगा आपने कितने किस डेट में किया किस टाइम पे किया। तो इस तरह आप अपने विद्यालय के डेटा को फाइनल स्कूल कंप्लीटेशन में जाकर इसको फाइनल करना है, सबमिट करना है। और सभी विद्यालयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने काम पूरा कर लिया होगा तो वर्ष 2023-24 का फाइनल डेटा स्कूल कंप्लीटेशन जो है इसको करके इसको फाइनल फ्रीज कर दें। और आशा करते हैं कि दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस प्रक्रिया को जान सके और इस काम को कर सके। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।